अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास. नाउ टुडे वी विल डू पेज नंबर 63 एंड 64 डेसिमल्स कॉन्सेप्ट. क्वेश्चन जो है हमारे पास है 11.604. अब हमने जो है अभी पहले जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो हम उसमें पढ़ते थे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड्स पढ़ते थे, लेकिन अब हमें जो क्वेश्चन गिवन है वहाँ पे हमें क्या गिवन है, डेसिमल यानी पॉइंट गिवन है. तो इनको हम कैसे पढ़ेंगे, जो हमारे पास पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज होती हैं, ये जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है ये हमारी कहलाती है वंस, और ये हमारी क्या कहलाएगी, टेंस कहलाएगी. ये हमारी कहलाएगी टेंस और ये क्या है वंस. ये पॉइंट सेम. अब जो हमारे पास पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होगी, हमारे पास एक दफ़ा ही जो है अभी क्वेश्चन में वंस होता है अभी, वो हमारे पास कब होता है अभी, पॉइंट से पहले होता है. क्या है हमारे पास क्वेश्चन में एक मरतबा ही वंस होता है अभी. जो वंस के बाद वाली वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, टेंस. अब यहाँ पे आप पॉइंट दरमियान में जो पॉइंट के फ़ौरन बाद वाली वैल्यू है, जैसे यहाँ पे क्या है सिक्स, यहाँ पे हम इसको पढ़ते थे टेंथ, तो यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे टेंथ. क्या पढ़ेंगे, टेंथ. ये क्या कहलाता था, टेंस, और ये क्या कहलाता है, टेंथ कहलाता है. जो हमारे पास वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड्स होते हैं उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं अभी, और जो हमारे पास टेंथ हंड्रेड थाउजेंड्स वाला होते हैं उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर हमारे पास ये है टेंथ तो ये ज़ीरो क्या बनेगा, हंड्रेथ. क्या बनेगा हमारे पास जो है ज़ीरो, हंड्रेथ. और जो हमारे पास फोर है वो क्या बनेगा, थाउजेंथ. क्या होगा वो, थाउजेंथ. टी से क्या बनता है, टेंथ. एच से क्या बनता है, हंड्रेथ. और टी एस से हमारा क्या बनेगा, थाउजेंथ. अब हम जो है अभी अपने क्वेश्चन में जो है हमें कैसे पता चलेगा हमें कितने वैल्यूज गिवन है और कौन कौन सी गिवन है, हम इस क्वेश्चन को अपने कैसे रीड करेंगे. हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें हमें पॉइंट गिवन है, पॉइंट से पहले भी वैल्यूज गिवन है और पॉइंट के बाद भी वैल्यूज गिवन है. जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, वंस टेंस. फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्रीज कर दें डिजिट लिखकर, तो ये क्या बन जाएगा, वंस टेंस और ये हंड्रेड्स बना. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने पॉइंट्स पहले वाली वैल्यूज को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, वंस टेंस हंड्रेड्स को. लेकिन जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज होती हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं स्मॉल लेटर्स. और जो है अभी हमारे पास क्वेश्चन में एक मरतबा ही वंस होता है अभी. यहाँ पे हमारे पास वंस के क्या बात क्या आया है, टेंथ, सॉरी टेंथ आया है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेंथ आएगा. क्या आ जाएगा, टेंथ. यहाँ पे आया है टेंथ के बाद हंड्रेड्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेंथ के बाद हंड्रेड्स. और यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हम एक और डिजिट इंक्रीज करें, हंड्रेड के बाद क्या आता है यहाँ पे, थाउजेंड्स. लेकिन यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ये आके थाउजेंड्स बन जाएगा. ठीक, अब हम यहाँ पे जो है अभी डेसिमल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. हमने जो है अभी जैसा क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था अपने लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स, हमने लाइक डेसिमल अनलाइक डेसिमल के लिए क्या पढ़ा था अभी. अगर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल, जो हमारे पास जो है अभी लाइक डेसिमल अनलाइक डेसिमल थे, यहाँ पे हमारे पास जो है अभी लाइक डेसिमल, हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, 42.3, यानी टू डिजिट्स है पॉइंट से पहले और वन डिजिट है पॉइंट के बाद. जो नीचे वाला क्वेश्चन है वहाँ पे हमारे पास जो है अभी पॉइंट से पहले थ्री डिजिट है और पॉइंट के बाद टू डिजिट्स हैं, ऊपर वाले दो ब्लॉक खाली हैं अभी. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं अपनी आसानी के लिए कि हमारे पास सॉल्यूशन सही आए भी, जब हमने प्लस या माइनस करना है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जीरो पुट कर देते हैं अभी, ताकि हमारे पास ये क्या बन जाए अभी, लाइक डेसिमल्स बन जाए. ठीक, जब हम जो है अभी ये देखिए हमारे पास जो है अभी हमारे पास पॉइंट्स पहले टू है, यहाँ पे है पॉइंट के बाद थ्री, जो है अभी वन डिजिट हमें गिवन है, यहाँ पॉइंट्स पहले थ्री डिजिट गिवन है और यहाँ पे क्या है पॉइंट के बाद टू, यानी यहाँ पे वन गिवन है, यहाँ पे टू डिजिट गिवन है, यहाँ पे टू डिजिट थे यहाँ पे हो गए थ्री डिजिट. नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें क्या है पॉइंट्स पहले एक वैल्यू गिवन है और यहाँ पे पॉइंट के बाद थ्री वैल्यूज गिवन है अभी. मतलब ये सारे के सारे हमारे पास जो है क्वेश्चंस जो गिवन है वो क्या है, अनलाइक डेसिमल्स हैं अभी. हमने जब इनको लाइक डेसिमल में चेंज करना है, जब हमने इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे अभी. लाइक डेसिमल्स में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो हमारे पास एम्प्टी स्पेस होगी वहाँ पर हम इनको जो है अभी वहाँ जीरो हम पुट करके इनको प्लस या माइनस करेंगे.